ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी एनालिसिस के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि सीवीपी एनालिसिस के हेल्प के साथ आप कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पे सेल कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर सेल पर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे आज के लेक्चर में मेरे पास जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है कि प्रॉफिट दिया गया है ₹200, सेल्स है ₹2000, वेरिएबल कॉस्ट है 75% ऑफ द सेल्स, हमें ब्रेक इवन अ सेल निकालनी है और व्हाट शुड बी द सेल वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। और अगर प्रॉफिट 500 फर्म अर्न करना चाहती है तो उसके लिए कितनी सेल उसको जो है अचीव करनी पड़ेगी ये भी निकालना है। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पता करना है कि ब्रेक इवन सेल्स कितनी है। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो ब्रेक इवन सेल को निकालने के लिए हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस होने चाहिए और दूसरा पीवी रेशियो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये दोनों फिगर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर जो कैलकुलेशन हमारे पास होगी उसकी हेल्प के साथ हम ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम हमारी पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो सेल है वो है ₹2000 और जो वेरिएबल कॉस्ट दी गई है वो दी गई है 75% ऑफ सेल। तो अगर हम 2000 का 75% करेंगे तो वो हो जाएगा 1500। सो 500 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। वेन यू जब आप वेरिएबल कॉस्ट को सेल में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। स्टूडेंट्स, अभी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, अभी हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं। पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो पीवी रेशो है वो 25% आ जाएगी। अब हमारे पास पीवी रेशो तो है, अब हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि कॉन्ट्रीब्यूशन है जो होती है वो इक्वल होती है फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट्स के। अभी हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, प्रॉफिट्स भी हैं, तो हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। तो अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, इस इक्वेशन को आप अगर आप प्रॉफिट को इधर ले जाओगे, माइनस कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन में से, तो आपके पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी कितनी है, 500, और प्रॉफिट कितना है, 200। सो 300 जो हैं वो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। अब हमारे पास दोनों कैलकुलेशंस हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी रेशो भी है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हैं। अब हम इसकी हेल्प से ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे। ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ₹1200 आपकी ब्रेक इवन सेल्स निकल आएगी। अभी आपने देख लिया कि ब्रेक इवन सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि अगर हम 500 प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कितनी सेल वॉल्यूम क्या होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी सेल आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉफिट पर। फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो आपके पास 300 है प्लस प्रॉफिट विच यू वॉन्ट टू अचीव, जो आप लेना चाहते हो। जैसे इस क्वेश्चन में हम कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, 500, 300 प्लस 500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 800 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 3200 आपका सेल वॉल्यूम होगा जो आपको 500 प्रॉफिट लेने के लिए अचीव करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन वॉल्यूम यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा क्या है, प्रॉफिट है 5000
और ये जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है और पीवी रेशियो है 50%। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेक इवन वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए तो पीवी रेशियो तो है, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी होने चाहिए। अभी हमारे पास प्रॉफिट है जो कि सेल्स का 20% है, तो हम सेल्स निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? प्रॉफिट कितना है? 5,000, जो कि सेल का क्या है? 20% है। 5,000 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आपकी जो सेल है वो है 25,000 की। और जो आपकी पीवी रेशियो है वो 50% है, सो आप पीवी रेशियो को यूज़ करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन क्या होती है? सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। तो सेल कितनी है? 25,000। पीवी रेशियो कितनी है? 50%। सो आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 12,500। अभी कंट्रीब्यूशन भी है और प्रॉफिट भी है, सो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5,000। सो 12,500 में से 5,000 को माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, 7,500 आपके जो हैं वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे। अभी स्टूडेंट्स, हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हैं, पीवी रेशो भी है, तो हम इजीली ब्रेक इवन सेल निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15,000 स्टूडेंट्स हमारी ब्रेक इवन सेल्स निकल आई। स्टूडेंट्स, अभी आपने सीखा कि ब्रेक इवन सेल कैसे निकालते हैं। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे हम, जिसके साथ हम सीखेंगे कि पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हमारे पास सेल्स जो है वो है ₹4,000, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है ₹2,000 और फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है ₹1,600। बस हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशंस है और इसके साथ ही हमको पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट चार निकालने हैं। सबसे पहले पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालने के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सेल है 4,000 की, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी गई है? 2,000। तो कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 4,000 माइनस 2,000 इज 2,000। तो पीवी रेशो आपकी क्या होगी? कंट्रीब्यूशन इज 2,000, सेल इज 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपकी पीवी रेशो कितनी हो गई? 50%। तो सबसे पहले हमने अपनी पीवी रेशो निकाल ली है। अब हम निकालेंगे ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल का क्या फॉर्मूला है? मैंने कितनी बार आपको बता दिया है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो दिए गए हैं 1,600 डिवाइड बाय पीवी रेशो, सो 3,200 की आपकी आ गई ब्रेक इवन सेल। अब हमने निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो सेल्स हमारे पास हैं 4,000 और ब्रेक इवन सेल है 3,200, सो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 800। 800 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब हम जो लास्ट है वो निकालेंगे प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सेल आपकी 4,000 की है, पीवी रेशो 50% है, माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास? 1,600। इसको सॉल्व करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। 2,000 माइनस 1,600, सो 4,000, ₹4,000 इज योर प्रॉफिट। सो इस तरह से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट दिया गया हो, कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी
हमें दिया गया है 8000 यूनिट्स का, तो उसके साथ हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे? जो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है गिवन है वो है ₹150, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है वो है ₹90, और जो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है वो है ₹6,00,000। तो अब हम इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम निकालेंगे कि अगर हमें 8000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आपको दिया गया है ऑलरेडी वो 150 है, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी गई है वो 90 है। सो 150 में से 90 माइनस कर दोगे तो 60 आपकी क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन हमें तो वो सेलिंग प्राइस चाहिए जो ब्रेक इवन पॉइंट 8000 यूनिट्स को अचीव कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट दिया गया है, क्योंकि ये यूनिट्स में है तो इसलिए हमने पीवी रेशो की जगह यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या दिया गया है, 8000 यूनिट्स, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या दिए गए हैं, 6,00,000। तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, 6,00,000 डिवाइड बाय 8000। जब आप 6,00,000 को 8000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹75 होगा। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 75 है, तो हमने न्यू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कितना है 75, उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 90 प्लस कर देंगे। 75 प्लस 90 165 आपका सेलिंग प्राइस होगा, जो कि आपको 8000 ब्रेक इवन यूनिट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। अभी स्टूडेंट्स, अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रॉफिट लेना हो, मान लो आपने 2,20,000 का प्रॉफिट लेना है, तो कितनी सेल करनी पड़ेगी उस प्रॉफिट को लेने के लिए। सबसे पहले तो हम पीवी रेशो निकालेंगे, हमारी जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन 60 थी, सेलिंग प्राइस था 150, 60 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 40% आपकी पीवी रेशो है। तो अब आपको सेल निकालनी है, अगर आपको 2,20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी सेल करनी पड़ेगी। फिक्स एक्सपेंसेस कितने दिए गए हैं, 6,00,000, प्रॉफिट कितना 2,20,000, 6,00,000 प्लस 2,20,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20,50,000 की सेल आपको अचीव करनी पड़ेगी अगर आप 2,20,000 का प्रॉफिट लेना चाहते हो। If profit is 2,20,000, then what should be the sale? ये question था। So student, आज के मैंने इस lecture में जो है ये try किया है कि किस तरह से given information के साथ आपको ये calculate करना सिखाऊंगे, कैसे break even point या profits या sales calculate की जाती हैं। Thank you students.